दोस्तों बहुत जल्द आपको पीआरटी पद के लिए यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए 1500 पदों पर शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो वो शिक्षक भर्ती आपको कब तक देखने को मिलेगी, उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँच गया, क्या इस पीआरटी रिक्रूटमेंट में बीएड वाले कैंडिडेट भी इलिजिबल होंगे, और जिन्होंने एनआईओएस से डीलेड कर रखा है क्या इस तरह के अभ्यर्थी भी इस रिक्रूटमेंट में इलिजिबल होंगे, तो इस तरह की सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों टीजीटी और पीजीटी के लिए भी गेस्ट टीचर के लिए रिक्रूटमेंट आपको आपकी रिक्रूटमेंट आने वाली है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कासियान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एस कासियान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि शिक्षा निदेशालय के समक्ष जो हमारे डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है, जैसे आपकी डाइट, जीबीटी, बीटीसी इत्यादि होते हैं, तो वो महीने भर से आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो उत्तराखंड के हमारे शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे जी, उन्होंने इस पर विचार किया है। तो उस बैठक में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी तो थे ही, उनके साथ साथ जो उत्तराखंड के शिक्षा सचिव हैं जो कि आर के मीनाक्षी सुंदरम है, और उसी के साथ साथ जो उत्तराखंड के शिक्षा निदेशक हैं आर के कुंवर, और उन्हीं के साथ साथ मौजूद अधिकारी सब लोग उस बैठक में थे। तो उस बैठक का जो दोस्तों आखिरी में निर्णय लिया गया, जो हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे जी, उन्होंने उन्हें सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जो उत्तराखंड में पीआरटी पद के लिए 1500 पद खाली पड़े हुए हैं टीचर्स के लिए, तो उनको जल्द से जल्द उनका विज्ञापन जारी किया जाए, उन पर रिक्रूटमेंट निकाली जाए। और दोस्तों ऐसी की इन्फॉर्मेशन आपको मैंने उत्तर प्रदेश की जो परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए टीजीटी पीजीटी की उससे संबंधित भी दी थी, उसके ठीक 7-8 दिन बाद हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिल गई। लेकिन दोस्तों यहाँ उत्तराखंड में मैं बिल्कुल भी आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इसके मैक्सिमम चांस आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। आपने न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में भी देखी होगी, तो उनके अकॉर्डिंग तो दोस्तों ये कहा जा रहा है 3 से 4 दिन के यानी कि लगभग हफ्ता भर के अंदर आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर हफ्ता भर के अंदर ये रिक्रूटमेंट पीआरटी के लिए 1500 पदों पर देखने को मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों शायद से इस नवंबर के आखिरी तक आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट से संबंधित जो डिटेल जानकारी है दोस्तों एक बार जब विज्ञापन जारी कर ही दिया जाएगा तो सब कुछ आपके समक्ष ही होगा, बाकी इस चैनल के माध्यम से तो आपको सूचित कर ही दिया जाएगा। और जो ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया उत्तराखंड में पीआरटी पद के लिए 1500 पदों पर रिक्रूटमेंट आपके आने वाली है, जिसमें जो 650 से 700 के आसपास जो सीधे सीधे पद हैं वो तो डीएलएड वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है। इस सेट के जो आपके 700-800 पद बच जाते हैं, 700-800 के लगभग, वो उन पदों में दोस्तों हमारे जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं और जो जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड कर रखा है शायद से वो भी उस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल कर दिए जाएं, इसके भी दोस्तों मैक्सिमम चांस है। दोस्तों श्योर होकर मैं बिल्कुल भी इसलिए आपको नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमें किसी भी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों कन्फर्म न्यूज़ तो जब ही दे पाएंगे, चाहे मैं अपनी बात करूँ चाहे किसी की बात करूँ, जब हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस रिक्रूटमेंट के मैक्सिमम चांस आपकी ये नवंबर तक आ जाएगी, नवंबर के आखिरी तक आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश की तो मैं बहुत जल्दी ही देखने को मिल गई थी। और बाकी इसके भी मैक्सिमम चांस है कि इस रिक्रूटमेंट में जो मैंने आपको अलग से 700-800 पद बताए टोटल 1500 में से, इसमें बीएड कैंडिडेट और जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड कर रखा है तो वो अभ्यर्थी भी इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। अगर दोस्तों आप नहीं जानते एनआईओएस से डीएलएड कौन अभ्यर्थी करते हैं, तो इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको इधर आई बटन या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों जो ये बैठक हुई थी जिसमें पीआरटी के 1500 पर रिक्रूटमेंट निकाले जाने की बात कही गई थी, इसी के साथ साथ एक और फैसला लिया गया था, जो आपको उत्तराखंड में राजीव नवोदय विद्यालय और जो अटल आदर्श विद्यालय देखने को मिलते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के विद्यालय होते हैं, तो उसमें जब तक परमानेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती तो उसमें भी गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकालने के लिए, फिर गेस्ट टीचर रखने के लिए उसी बैठक में बात की गई थी। किसके द्वारा कही गई थी वाली बात, जो हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी, उनके द्वारा ये वाली बात कही गई थी। अब जब हम दोस्तों राजीव नवोदय विद्यालय की बात करते हैं तो इसमें लगभग आपकी जब पीजीटी की बात करते हैं तो इसमें लगभग 36 के आसपास पद खाली पड़े हुए हैं, और जो हम टीजीटी की बात करते हैं तो इसमें 70 के आसपास लगभग पद खाली पड़े हुए हैं। और बाकी जब हम अटल आदर्श विद्यालय की बात करते हैं तो दोस्तों इसके आंकड़े बिल्कुल भी अभी साफ नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का कुछ भी उधर मेंशन नहीं किया गया है कितने पद खाली हैं, बाकी भविष्य में हम पता चल जाएगा। लेकिन जो कहा जा रहा है दोस्तों, इसमें भी सैकड़ों पद हमारे खाली पड़े हुए हैं अटल आदर्श विद्यालय में। ये दोनों स्कूल दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के अंडर आते हैं, ठीक है, तो
इसमें गेस्ट टीचर के रिक्रूटमेंट में आपको टीजीटी पीजीटी के लिए देखने को मिल जाएगी, और बाकी जो मैंने आपको पीआरटी के लिए जो उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर के रिक्रूटमेंट है 1500 पद पर जो पद खाली पड़े हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी जो आगे की जानकारी है इस रिक्रूटमेंट से संबंधित बिल्कुल दोस्तों 100% जो मैं आपको श्योर होकर कहूंगा, मैं क्या कोई भी अगर आपको श्योर होकर कहेगा एक बार विज्ञापन जारी कर दिया जाए तो उसी के बाद आपको सभी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी इस रिक्रूटमेंट से संबंधित। बाकी उत्तराखंड में टीजीटी और पीजीटी यानी कि एलटी और प्रवक्ता के लिए मैं परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिल चुकी है, तो उसी के चलते आप बार बार मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट कब आएगी, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने आपको आज की वीडियो में दे दी है। तो बस दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जो भी ऐसे अभ्यर्थी है जो उत्तराखंड में पीआरटी रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं, चाहे उन्होंने डीएलएड कर रखा है मतलब शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है, डिग्री प्राप्त कर रखी है जैसे कि बीएड वगैरह, तो उन अभ्यर्थियों को भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल शिक्षक और शिक्षण से संबंधित हमारी सारी वीडियोज होती हैं। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं या फिर आप एक शिक्षक हैं, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको हमारे सेस्कास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।